अमरेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने की भूख हड़ताल। अगर अब भी नहीं हुई पानी की समस्या का समाधान तो महिला करेंगी चकाजाम। क्या है पूरा माजरा, देखिए रेवा इंडिया न्यूज की यह रिपोर्ट। जल ही जीवन है यह आपने पढ़ा या सुना होगा, मगर यह कहाँ तक सही है? पानी की सही कीमत क्या है, यह ग्राम पंचायत कुवारा के ग्रामीणों से पूछो, जो आजादी के इतने साल बाद भी पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कई सरकारें आई और गईं, कई विधायक सांसद सरपंच इस समस्या को खत्म करने का झूठा आश्वासन दिया और चुनाव जीतने के बाद जनता जाए भाड़ में। अब इस पानी की समस्या को लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने क्या किया, यह भी जान लें। कई बार संबंधित विभाग के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने आवेदन निवेदन किया। इस समस्या जस की तस कलेक्टर की जनसुनवाई में कई बार कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया, मगर पानी की समस्या से निजात नहीं मिली। महिलाओं ने बताया कि इस गांव में लड़कों से कोई शादी नहीं करता और जिनकी शादी हो गई है उनकी पत्नी मायके में ही रहती है। उसका भी कारण कुछ और नहीं, बस पानी है। कौन सी बहू मीलों दूर जाकर पानी लाएगी? अब यहाँ के ग्रामीणों ने आंदोलन और भूख हड़ताल का रास्ता चुना है। अगर अब भी इनकी मांगे पूरी नहीं होती और पानी की समस्या से इन्हें निजात नहीं मिलती तो ये महिलाएं चकाजाम करेंगी। फिलहाल तहसीलदार महोदय ने 2 दिन का समय मांगा है और विश्वास दिलाया है कि अब इन ग्रामीणों को पानी की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की। पानी की समस्या है, बहुत ज्यादा तकलीफ है पानी की। हमारे गांव की महिला साइकिल लेके बाहर दूसरे गांव लेमरगुआ ढेको चकरघटा ठरका से पानी लाती हैं। डब्बा में 6 डब्बा 8 डब्बा पानी लाती हैं। इससे पहले आप लोग जो जिला कलेक्टर के पास जनसुनवाई पे भी गई थी, क्या हुआ? कम से कम 100 बार हो गए, जिला अधिकारी पास गए, CO पास गए, आने कलेक्टर के पास गए, PHE ऑफिस गए, कोई अधिकारी हमारी सुनवाई अधिकारी नहीं रही। बाकी आज क्या कर रही है आप लोग, इतनी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं हाईवे पे इकट्ठी हुई अनशन में बैठे हैं सर, यदि इसमें सुनवाई नहीं होगी तो चकाजाम करवाएंगे जी। महिला परेशान हो गई हैं, हमारे बच्चे समय से स्कूल नहीं जा सकते, हमारे गांव में कुंवारे लड़का बैठे कोई शादी लड़कियाँ देने के लिए तैयार नहीं है। कौन पानी भरेगा, किसकी लड़कियाँ पानी भरेगी? हम तो भर लिए, आज की लड़कियाँ भर लेंगी पानी? आप ही बताइए ना, अधिकारी इनको तो बैठे बैठे पानी मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है? तो समस्या है सर, पानी का पानी नहीं मिल रहा है, हमारा बच्चा टाइम से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और अभी तक जनपद पंचायत वाले ना जनपद वाले कुछ नहीं करे हैं। कितने बार हमको वहाँ जाते हो गए, जनसुनवाई में जाते हो गए, कलेक्टर के पास जाते हो गए, पर अभी तक हमारा जनता का कोई भी नहीं सुना। आज आप लोगों ने ये हाईवे पे जो है रुक के इतनी सारी महिलाएं, अभी भी बात नहीं मानी जाएगी, आगे क्या करेंगी आप लोग? चकाजाम करेंगे सर, यहीं बैठे रहेंगे, चकाजाम करेंगे हम लोग। पानी का ज़्यादा समस्या क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम पानी लेने? सिटी का तो ऐसा है कि वो नर्मदा से पी लेते हैं, हम कहाँ जाएंगे पानी पीने? कब से पानी की समस्या आप लोगों के गाँव में? 8-10 साल हो गए, इतने देर से कोई सुनाई नहीं, न जनपद सुनते, न तो जिला पंचायत वाले, न कोई पंचायत ही नहीं सुनती, क्या करेंगे? दिक्कत है भैया, कब से? 5 साल हो गए पानी नहीं है, बहुत परेशानी है पानी की। सरपंच सचिव अधिकारी से कोई से बताए? सरपंच सब से बताए, कोई ध्यान नहीं देना। जब से सरपंच सचिव जब 5 साल आए भाई हैं, जब से पानी वे नहीं दे रहे हमें, पानी से नहीं कहते हैं। बाल पकड़ ले तो सर ऐसे बुंदी तबला के। तो अगर अभी भी नहीं बात मानी तो क्या करोगी फिर? नहीं बात, आप आए हो तो कैसे न माने जी। कब उठेगा आप लोगों का इतना बड़ा जो धरना, इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, कब मानेंगी ये? अब अधिकारी के ऊपर है, नहीं माने तो फिर हम चकाजाम करेंगे। चकाजाम करेंगे जी, ऐसी महिला पानी भर रही है, ऐसी पानी भर रही है, अधिकारी लोग उसको नहीं देख रहा। हमका पूरा शरीर ऐसा हलता, हम जब गुंडी नहीं रख सकते हैं और हालत का पत पानी लाते हैं। उसके बाद भी पानी, सरपंच मेंबर 5 साल रह चुके, इसके बाद में हमारे गांव में संपतिया भाई भी आ चुकी, संदीप भैया भी आ चुके, पैर पड़ चुके, जितने मेंबर रहे सरपंच रहे, हम लोग तारा भी लगा चुके, थाने से लोग थानेदार आ चुका, फग्गन सिंह आया, सब लोग आए, लेकिन अभी तक पानी की समस्या हल नहीं किए। हमारे गांव के
लोग, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे लोग की ज़्यादा समस्या है। स्कूल के सूखी टंकी पड़ी है, मध्यान्ह भोजन बनता है तो उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, हमारे 5 साल तक जितने मेंबर रहे, सरपंच रहे, सब ऐसे ही रहे क्या? इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठी हुई हैं यहाँ पे, आज धरना दे रही हैं, हाँ, तब तक ये धरना चलेगा? जो धरना, जब तक हमको पानी नहीं मिलेगा जब तक चलेगा। उसके बाद भी बात नहीं मानी जाती, अगला कदम क्या करेंगी आप लोग? चक्काजाम करेंगे हम, चक्काजाम करेंगे, पूरी चक्काजाम करेंगे आज की बात, चक्काजाम करेंगे और जो भी है वो समस्या हल करेंगे। 3 दिन की, 3 दिन में चक्काजाम करेंगे। और अभी हम लोग, अभी पीएचई के अधिकारी आए हैं, बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो सही संबोधन हमको नहीं दे रहे, सही संबोधन नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि हो जाएगा अगर, और हमको संबोधन अगर अभी तत्काल, और हमको लिखित में चाहिए। जनपद के अधिकारी, पीएचई के अधिकारी सब लोग आए, जब हम सरपंच को तारा लॉक किए तो जनपद के अधिकारी भी आए थे। इसके बाद भी वो बोल के गए थे कि 4 दिन के अंदर हम आपकी समस्या हल कर देंगे, तो भी हल नहीं हुई, नहीं हुई। कलेक्ट्रेट गए हम लोग, केवल झूठा आश्वासन मिल रहा, हाँ, पूरा झूठा आश्वासन है। बहुत अधिक है, इसके कारण बच्चियाँ पढ़ नहीं पा रही, समय में स्कूल नहीं जा पा रही हैं, और शादी ब्याह में भी लड़के को लड़की नहीं मिल रही, गौरव कोई दे नहीं रहा, क्या होगा इस दुनिया का? ये तो बोल रही है, अरे आपका कहने का मतलब है पानी की समस्या तो कोई बहुत अधिक, जिसकी शादी हो गई उनकी घरवाली तक छोड़ के जा रही है यहाँ से, क्या होगा गौरव का, ये सोचो आप। सही, मंडला जाते हैं, छोड़ 3 दिन के अंदर हमारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो सोच लेना आप क्या होगा, क्या करोगी आप लोग? अब करेंगे हम, 3 दिन का समय दिए हैं आपको, आप जानो रोड जाम करेंगे, हमारा भविष्य बन नहीं पा रहा, इसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप भी सोचो कुछ, बच्चों का क्या होगा? हम जिला प्रशासन सोचे, कुछ अधिकारी सोचे, जिम्मेदार लोग सोचे, तो हमारे, हमें 3 दिन के अंदर पानी चाहिए गौरव में, हमारे गांव में पानी नहीं हो रहा है, तो हमारे यहाँ के गांव, जो गांव में जो लोग रहते हैं वो कहीं मंडला जा रहे हैं, कहीं जबलपुर जा रहे हैं, कहीं बमनी जा रहे हैं, अब पानी नहीं हो रहा है, यहाँ से गांव छोड़ के जा रहे हैं इंसान, ना यहाँ पे कोई लड़की आती है, मतलब शादी नहीं हो रही, और जिसकी शादी हो रही वो भी छोड़ के चली जाती है अपना घर, पानी के कारण। क्या है पानी के कारण? कारण पानी, पानी नहीं है गांव में हमारे, इसलिए 2 बजे रात कूट के, 12 बजे रात कूट के पानी भरती है, क्या एक एक लोटा पानी आता है बाल्टी में, क्या करेंगे यहाँ की लड़कियाँ? पढ़ाई नहीं हो पाती, समय में स्कूल नहीं जा पाती, हमारी पढ़ाई में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है पानी की वजह से। अंकल जी, पानी यहाँ की बहुत ज़्यादा समस्या है, जैसे बच्चियाँ यहाँ से दूर दूर जाती हैं, छोड़ के जाती हैं, और भी पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, जो इनने जो कुछ भी बताया एकदम सही बताया है, जो यहाँ शादी हो जाती है वो भी छोड़ के चली जाती हैं, कुल मिला के जितनी भी समस्या, सब पानी की कमी समस्या है यहाँ पे, पानी मिलता, पानी नहीं मिल पाता है, रात में दोबारा में कोई भी कमी नहीं है, सब चीज की फुल व्यवस्था की गई, पानी की समस्या है। संपतिया भाई आ चुकी है, फग्गन सिंह को लस्ते आ चुके हैं, और भी वगैरह वगैरह आ चुके हैं, लेकिन हमारे गांव में कोई सुनवाई नहीं कर रहा, उनके सामने जाके पैर पड़ो तो लोग ऐसे बोल देते हैं कि किनारे हो जाओ, ये कौन सी बात हुई, चल्ला देते हैं, ये कौन सी बात हुई। देव सिंह स्वयं भी आ चुके हैं हमारे गांव में, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, गली बंद हो जाएगी, गड्ढा खुदवा जाएगा यहाँ पे, अरे गड्ढा करे तेरा हम लोग, गड्ढा हो जाएगा, गली से कोई नहीं निकलेगा, बटानियल जा पाएगा कोई ना, बटानियल से आ पाएगा ना, कोई गाड़ी आएगी ना, बच्चे स्कूल जाएंगे, कुछ नहीं होगा यहाँ पे जब तक पानी ना आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल पानी। मेरा नाम स्वाति हरदाहा है, मैं रहने वाली ग्राम ग्वारा की हूँ, जिला मंडला है। जैसे यहाँ की पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं, और बहुत ज़्यादा है जो है, बहुत ज़्यादा ही समस्याएं हैं पानी की, आधी रात को यहाँ से उठ के जाना पड़ता है, कुआं तालाब हैडपम्प में गर्मी के समय में पानी ही नहीं आता, हवा फूकता है हैडपम्प, यानी पानी ही नहीं रहता, जहाँ की यहाँ की बच्चियाँ स्कूल जाती हैं लेट हो जाती हैं, समय में स्कूल नहीं पहुँचती हैं, स्कूल से भगा दिया जाता है, कॉलेज से भगा दिया जाता है, और शाम को भी आके यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं, और जो यहाँ लड़कियाँ देती हैं तो वो रहना नहीं चाहती हैं, शादी जो करके आती हैं वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है पानी की समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका और किस पद पे हैं? राम सिंह मरावी है नाम मेरा, और मैं ग्राम पंचायत ग्वारा का सरपंच हूँ, और अब ये पानी की समस्या में ये सब लोग आए हैं और सब लोग बैठे हैं,
अब समस्या हमारी ऐसा क्लियर नहीं हो रही है। हम तो सब कार्यवाही कर रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, जनपद भी जा रहे हैं, पीएचई भी जा रहे हैं, लेखा पढ़ी भी कर रहे हैं, आके वहाँ से आदमी चेक भी करे यहाँ पानी, तो पानी को कम बता रहे हैं यहाँ। हमारे यहाँ हम तत्कालीन बोर भी करवाए, दो दो बोर करवाए, तब भी हमें सफलता नहीं मिली। जो सरपंच होता है, जनप्रतिनिधि होता है, गांव की समस्या उसकी समस्या होती है। आज पूरे गांव के लोग जो है पानी की समस्या को लेके जो है एक मंच के नीचे बैठे हैं, लेकिन आप उनसे दूर दूर नजर आ रहे हैं, क्या बात है? ऐसे आ रहे हैं, अब बैठेंगे, बाकी अभी तो कोई अधिकारी आए नहीं हैं। जब कोई अधिकारी आए तो बढ़िया उनके साथ बैठ के बताएं, बोलें कि साहब ऐसा से ऐसा है। अब है ना, कौन है अधिकारी? कोई नहीं आया है, अब कहाँ आए हैं? यानी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है देखने में कि भाई आपका जो है समर्थन नहीं है पानी की समस्या को लेके, आपको कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं भाई। हम जो समस्या के लिए कल दिन भर घूमे हैं भैया, दिन भर घूमे हैं, और जो आ रहे हैं पीएचई से उनसे सब चेक करवाए हैं, और चेक करवा के हम नारियल ललेर भी फोड़ दें हैं, लिखे हैं कि गाड़ी आ जाएगी, यहाँ बोर हो जाएगा। अब कल तो घूम घाम के चले गए, अब आज जो फिर कहना चाहिए कि जा बैठे सब लोग भूख हड़ताल के, अब देखो निदान क्या है, अब कैसा क्या निकलता है, अब इसको परमात्मा जाने और अधिकारी जाने। अपन जो है कई सालों से जो है पंचायत पे जो है पानी की समस्या है, कितने पंचवर्षीय से आप यहाँ पे सरपंच हैं? नहीं दे तो पहली वर्ष है, माने पहली चांस है जी, पाँचवीं वर्ष माने हमारा, एक पहले हम पाँच वर्ष पे कहाँ तक आपने पानी की समस्या के लिए जो है प्रयास किया? अभी जी दो साल से समस्या बनी है, एक पहले कोई समस्या नहीं रहे अभी, नहीं नहीं देखो 17 तक सुनो तो 17 तक अपन ने पानी चलो है अपने गांव में जल स्तर कम है, और अपने दक्षिण दिशा में फ्लोराइड है, तो अपने बतरा बोर नहीं हो रहा है, और अपने ये साइड उत्तर तरफ जो है फ्लोराइड नहीं है। पर अभी वर्तमान में अब गाड़ी कहाँ से ले जाएं, ये भी समस्या है एक। और अब बतरब ले हैं हम ढेंकू तरफ, कल जाके बोर वोर को ले तो वहाँ बोर हो जा कह के पीएचई वाली बताए हैं, तब हम थोड़ी कही ठीक है भैया गाड़ी ले आओ, तब बोर निकल जाए पानी हो जाए, तब फिर सही है। ग्राम के सरपंच है जो कहते हैं कि दो वर्षों से ही पानी की समस्या है, कुछ गांव के लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, कहाँ तक ये बात सही है? भैया पाँच साल हो रहा है जी, पाँच साल बतीत रहे हैं अभी पानी की समस्या में, लेकिन पहले पानी मिलत रहे, तीन दिन चार दिन में पानी मिलत रहे, लेकिन जो पांचवा वर्ष मतलब बतीत चल रहे हैं, एक एक महीना में एक मतलब पानी आ रहा हो, आगा कहीं भूल खे तो, नहीं तो दो दो तीन तीन महीना नहीं चल रहा हो पानी है। कितने वर्षों से है पानी की समस्या के बारे में? अभी ये समस्या तो बहुत दिनों से चल रही है, शुरू से चल रही है, पर यह था कि टंकी में जो पानी था तो वो दो दिन तीन दिन में मिल जाता था, पर अभी अभी ऐसी स्थिति कि मतलब ये दीपावली से लेके अभी तक में हमारी लाइन मात्र दो ही बार चली है। पानी की समस्या को लेकर कोई राजनीतिक रूप से जो है ये आंदोलन को रंग तो नहीं दिया जा रहा है? आगामी समय पर चुनाव भी है, उसका बेनिफिट लेने के लिए ये इसमें राजनीति कोई शामिल नहीं है, इसमें कोई राजनीति शामिल नहीं है, ये सब गाँव की समस्या है, और इसका निदान अब देखो अब कैसा निकलता है, अब विभाग ही बता सकता है पीएचई। और कौन बताना चाहेगा पानी की समस्या गांव में है जो? हाँ भैया, हाँ सर यहाँ है पानी की समस्या, इसके पाँच वर्ष पहले मतलब पंचवर्षीय पहले पानी मिलता था, उस बोर में पानी था तो दो चार दिनों में आता था, अभी तो पानी मिल ही नहीं रहा है सर। हाँ वहाँ पे चार पाँच बोर सब कुछ कर दिए सरपंच के खिलाफ, पर उसकी कोई गरज नहीं पड़ती जनता के प्रति, ना उसका कुछ होता, कोई कुछ नहीं होता। हम अनेकों बोलिए हम अनेकों कार्रवाई कर चुके, इसके बाद भी सरपंच का कुछ नहीं होता, पता नहीं अधिकारी वर्ग क्या नियम करते हैं, क्या कानून करते हैं, पर हम लोग को मतलब अनुशासन बस दे दे। अभी जैसे इसके पहले में उसका उन लोगों का केस चल रहा था, और केस चलते चलते पता नहीं किस हिसाब से उनको स्टे मिल गया, फिर वही स्थिति है, वही भरनासाई है, न किसी पंचों की मानते न किसी गांव वाले की जानते। हम अभी तक ऐसा देख रहे हैं कि हमारे गांव में न ग्राम सभा हुई अभी तक, न आम सभा हुई, न कोई जनता को जानकारी हुई कि ग्राम सभा होती कि नहीं होती करके, न किसी पदाधिकारी को होती, न किसी मेंबर को होती। कई बार मीडिया में जो है यहां से भ्रष्टाचार के मामले भी उठे हैं, उनमें कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उनके द्वारा होती है मगर पता नहीं बीच में अधिकारी वर्ग से कैसे मिलजुल करके और कई आवेदन हो जाते हैं, मिले जुले तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसा जहां लग गए पैसा, अधिकतर भ्रष्टाचार, और का कहते हैं बड़े अधिकारी लोग करते हैं, जो भी करते हैं
जनपद सीओ है, जिला सीओ है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, इन्हीं लोग तो पूरा करते हैं। क्या नाम है आपका और किस पद पे हैं? हाँ, मेरा नाम लेखराम जंगेला है, ग्राम पंचायत ग्वारा, उप सरपंच। उप सरपंच जी, आपके गांव में पानी की समस्या विगत इतने सालों से है, अभी तक क्या किया आपने? हमने तो कार्रवाई किया, चार साल से कार्रवाई करते करते हम लोग थक गए और हमारी पूरे गांव की जनता, हमने गांव की जनता को भी ले गए हैं कलेक्टर जी के पास में, लेकिन आज तक हमारी समस्या बनी रही है। और हमने माने अभी जो इसलिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये अंतिम है, यदि मान लो इसमें हमारी समस्या का हल नहीं होता है तो ये बहुत भारी उग्र रूप लेगी, क्योंकि अभी तो भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत कुछ करने वाले हैं हमारे गांव की जनता के साथ। सरपंच, उप सरपंच जनप्रतिनिधि होते हैं जनता की बात शासन तक पहुंचाने के लिए, आप बिल्कुल यहां बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, क्या करें? जब हमारी सरकार नहीं सुन रही है, शासन नहीं सुन रही है, तो हम अनशन नहीं करेंगे, क्या करेंगे बताइए? हमारे जो अधिकार हैं, हमारे अधिकार तो हैं कि हम संबंधित कार्यालय में पहुंचाएं, संबंधित विभाग में पहुंचाएं, हमने पहुंचाया। 181 के हिसाब से ही पहुंचाया, हम जन सुनवाई के माध्यम से भी, हम पर्सनल माने पीएचई भी गया, पर्सनल हमने जनपद गया, जिला गया, कलेक्टर जी के पास गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। जनप्रतिनिधि जो हैं जिले में, काफ़ी जनप्रतिनिधि हैं, बड़े नेता हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाई आपने? बिल्कुल पहुंचाया। कौन कौन से ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनसे आपको, जिनको आपने संज्ञान पिलाया कि पानी की समस्या है यहाँ? देखो, हमने अपने फग्गन जी कुलस्ती जी को भी बताया है ये बात, संपतिया मैडम को भी बताया है हमने, हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उनको सबको बताया है। क्या बोलते हैं वो बड़े? वे बोलते हैं कि हो जाएगा, फोन करते हैं हमारे सामने कि हाँ हो जाएगा। कितना समय हो गया ये जनप्रतिनिधियों को आपने बताया और पानी की समस्या जस की तस बनी? हम चार साल से रेगुलर बताते चले आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि को भी बताए हैं और कर्मचारी अधिकारी को भी बताए हैं। चुनाव होते हैं, विधानसभा राज्यसभा चुनाव होते हैं, बड़े बड़े नेता आपके गांव पे आते हैं, आश्वासन देते हैं, पानी की समस्या को लेके क्या बोलते हैं? हो जाएगा, हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे। कौन बोलता है ऐसा? अरे हमारे नेता बोलते हैं, जैसे संपतिया मैडम हैं, हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं, रुचिराम गुरवानी जी हैं, हम सबसे बात करते हैं। अभी वर्तमान में जो विधायक है यहाँ पे देव सिंह सयाम, उनके संग उनसे भी बात किया हमने। क्या बोलते हैं? वो भी बोल रहे हैं कि हम माने कार्रवाई करते हैं, आप ऐसा कर दो, वैसा कर दो, प्रस्ताव दे दो, हम प्रस्ताव भी दे दिए। यानी कुल मिला के गोल गोल बातें करके, गोल गोल बातें हैं पूरी, जस की तस बनी हुई है। हमें न अधिकारी का विश्वास रह गया है, न कोई नेता का विश्वास रह गया है जी, आखिरी बात जी है, इसलिए हम हमारी गांव की जनता को लेकर चल रहे हैं और हम वहां तक पहुंचेंगे जब तक हमारी समस्या का निदान नहीं होगा, जब तक हम डटे रहेंगे। यानी आपकी जो है ये हड़ताल जो है खत्म नहीं होगी जब तक आपकी समस्या समाप्त नहीं होगी। आश्वासन में इस बार आप नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, नेता अधिकारी आके बोल दे। आश्वासन में नहीं आएंगे, और वो आश्वासन कर रहे हैं अभी भी पीएचई वाले कि हम चार दिन में कर देंगे, पाँच दिन में, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा है जी। हम उनसे ही बोल दिए कि हम माने ये काम नहीं करेंगे, आप हमें आज की तारीख में बताइए, आज हमको कार्रवाई करके बताइए। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इतनी महिलाएं इकट्ठी हुए हैं, पुरुष हुए हैं इकट्ठे, पानी की समस्या को लेके, ग्राम के जो है सरपंच है, क्या वो भी इस आंदोलन में शामिल हैं? कहाँ, यहाँ तो कहाँ हैं, वो दूर रहते हैं, वो हमारे साथ नहीं रहते, हमारे साथ नहीं जाते कलेक्टर के पास, हमारे साथ नहीं जाते नेता के पास, वो एक माने आ गए हैं, अलग बात है।
अगर कहीं ना कहीं देखें तो सरपंच जो होता है, मैन होता है, जनप्रतिनिधि होता है जो जनता की समस्याओं को जो है शासन तक पहुंचाता है, लेकिन इस आंदोलन में सरपंच शामिल नहीं हुए हैं। यानी सरपंच को जो है अपनी जनता के परेशानियों से कोई मतलब नहीं है, लगता है ऐसा है ग्राम पंचायत ग्वारा को देखकर। नहीं, बिल्कुल राइट कह रहे हैं आप, बिल्कुल उसको मतलब नहीं है। हमने कईयों बार चार साल के अंदर, आज आप देखना कि सरपंच हमारे साथ में नहीं गया है, सरपंच नहीं जाता, लेकिन हमारे गांव की जनता जाती है हमारे साथ। जो भी करते हैं हम लोग, हमारी जो टीम है वो टीम के आधार पर हम काम करते हैं और हमारे गांव की जनता। आप लोगों ने इतना बड़ा जो है यहाँ पे पानी के लिए जो है हड़ताल चालू की है, आंदोलन किया है, लेकिन आपके गांव के सरपंच जो है इस पूरे आंदोलन से नाजारा थे, क्या कारण है? सरपंच लोग आए हैं, वे बाहर बैठे हैं होटल के किनारे। सरपंच कभी कोई भी समय साथ नहीं दिए, कहीं जाए कहीं आए, जनता परेशान हो, सरपंच से कोई मतलब नहीं है गाँव की जनता के लिए। जब जो है इस टाइप का आपके गांव का सरपंच है, निष्क्रिय है, जनता की समस्याओं से जो है उसको कोई वास्ता नहीं है, क्यों जिताते हो इस टाइप के लोगों को? अब अच्छा देख के जिताए थे सर, आदिवासी सीट क्या करेंगे। यानी कहीं ना कहीं आरक्षण के वजह से भी जो है ग्वारा का विकास रुका है, आदिवासी सीट होने की वजह से। आदिवासी सीट होने के कारण हमारा पंचायत पिछड़ी है, कोई काम ना कोई धाम, कोई सुनवाई ही नहीं करता। पानी के लिए जाके बोलते तुमको लगे जो करो कहते, तो मेरे को कुछ नहीं करना। बहुएं जो है मायके जाती हैं, हाँ, जो अभी नई नई आती हैं तो वो पानी को नहीं झेल सकती, दूर से पानी लाना पड़ता है, वो परेशान होती है, इसलिए घर छोड़ के चली जाती हैं। जो पहले के बुजुर्ग हैं वे सही है, उन्हें यहाँ पर रह रहे हैं। कितनी बहुएं जो है ग्वारा छोड़ के चले गई अपने मायके? अधिकतर 20% से ज्यादा, 20% नहीं रहना है करके परेशान हो जाते हैं, तो उनके घर परिवार के लोग परेशान होते रहते हैं, थाने जाए कि फिर अपना घर परिवार चलाए और ज्यादा कि पानी भरे। गांव से लोग पलायन भी कर रहे हैं पानी की समस्या को देख के, आजू बाजू वाले गाँव बस रहे हैं, बाहर ठरका जाते हैं, ठरका में रहते हैं, कहते हैं बंजर के किनारे कि वहाँ पर पानी पर्याप्त है तो वहीं रहेंगे और वहीं अपने लड़के बच्चों को पालेंगे करके। उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, पानी की समस्या गांव में ये तो करीब 5-6 साल से अधिकतर है। इसके पहले तो मिलता था मगर 5 साल से अधिकतर है। यहाँ बैठा निराकरण इसका सफलतापूर्वक अच्छा निकला है। अभी माननीय तहसीलदार जी यहाँ पे आए हुए थे, उनने हमको समझाइश दी है और कल तक का समय दिया है कि कल जो है PHE के ई साहब SD साहब दोनों आएंगे और आने के बाद स्पॉट का चयन करेंगे और परसों जो है इसका बोर की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी, मतलब 2-3 दिन में व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी।